गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास सेवन के स्टूडेंट, ध्यान देंगे। मैं आनंद इंटरनेशनल स्कूल पटना के संस्कृत शिक्षक दिवाकर प्रसाद आज के इस वीडियो में जो चैप्टर थ्री लंग लकार मध्यम पुरुष पार्ट नंबर टू पेज नंबर 20 में आए हुए कुछ शब्द कोश के बारे में पहले जानकारी दे देते हैं, क्योंकि जब तक शब्द कोश वर्ड मीनिंग आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं आएगा तब तक आप संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं और समझ में भी नहीं आएगी। तो आओ बच्चों, मैं सबसे पहले शब्दकोश के बारे में जानकारी दे दूं। त्वम, त्वम का मतलब तुमने, निर्धनाय गरीब के लिए एक वचन है निर्धनाय, संप्रदान कारक गरीब के लिए। वस्त्राणी बहुवचन है वस्त्र, अच्छा धा धातु का रूप है, अच्छा माने दिया। युवाम द्विवचन होने के कारण तुम दोनों ने देवालय मंदिर में ईश्वरस्य से लगने पर काके की ईश्वर की वंदना अपुरुतम किया। यूयम तुम सबने समय का सदुपयोग अच्छा उपयोग पुरुता किया। प्रतियोगिता में गीत गाया कक्षा में तुष्णीम चुपचाप अतिष्ठतम बैठे थे। परीक्षा में सफल अभवत हुए। पितामहेन सह अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है, इसीलिए दादाजी के साथ अक्रीडा खेला। परिवारेन सह परिवार के साथ चित्रागारम सिनेमाघर, ऐसा कि लंग लकार में बतलाए थे धातु का रूप सबसे पहले आ, उसके बाद धातु और उसके बाद प्रत्यय लगता है, और मध्यम पुरुष के सर्वनाम त्वम युवाम यूयम होते हैं। तो लंग लकार मध्यम पुरुष के सर्वनाम का यहाँ जिक्र हुआ, त्वम युवाम और यूयम, ये लंग लकार मध्यम पुरुष के सर्वनाम है। और लंग लकार यानी भूतकाल, खाया पिया दौरा किया गाया, ये सब लंग लकार के रूप हैं। तो बच्चों, अब मैं वर्ड मीनिंग के बाद पेज नंबर 20 में कुछ संस्कृत वाक्यों के हिंदी अनुवाद के बारे में जानकारी देंगे। त्वम निर्धनाय, तुम निर्धनाय गरीब के लिए गरीब को वस्त्राणी वस्त्र अच्छा दिया, तुमने गरीब को वस्त्र दिया। युवाम देवालय ईश्वरस्य वंदनाम अकुरुतम, तुम दोनों ने मंदिर में
ईश्वर की वंदना की। यूयम तुम सबने समय से समय का सदुपयोगम सदुपयोग अकुरुत किया। तुम सबने समय का सदुपयोग किया। तो इस तरह से देखते हैं कि यदि वर्ड मीनिंग पर कमांड हो तो संस्कृत अनुवाद करने से हिंदी अनुवाद करने में कितनी आसानी होती है। नेक्स्ट त्वं प्रतियोगितायां गीतम आगाय युवाम कक्षायां तुष्णीम आतिष्ठाम। यूयम परीक्षायां सफलाय भवत्। त्वं माने तुम प्रतियोगितायां प्रतियोगिता में गीतम गीत आगाया गाया। तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया। युवाम तुम दोनों ने कक्षायाम कक्षा में तुष्णीम चुपचाप आतिष्ठतम बैठे थे। तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे थे। यूयम तुम सबने परीक्षायाम परीक्षा में सफला सफल अभवत हुए। तुम सब परीक्षा में सफल हुए। नेक्स्ट ये देख रहे हैं चित्र, बच्चा दादाजी के साथ खेल रहा है। यहाँ आपने देखा कि यह भिखारी को वस्त्र दे रहा है और यहाँ गीत गा रहा है। तो चित्र के माध्यम से भी आपको बताया जा रहा है। त्वं पितामहेन सह आक्रीडा। युवाम परिवारेन सह चित्रागारम आगच्छतम। यूयम चित्रकला प्रतियोगिताम आपस्य। त्वं माने तुम पितामहेन दादाजी के सह साथ आक्रीडा। पहले ही बताए थे पितामहेन सर तृतीया विभक्ति, सह में तृतीया विभक्ति आती है। पितामहेन सह दादाजी के साथ आप बोलेंगे तृतीया विभक्ति में से आता है, लेकिन नहीं, ये संबंध कारक के चिन्ह आना चाहिए था, लेकिन सह अर्थ के कारण साथ होने के कारण तृतीया चिन्ह लग रहा है। तो हम पितामहेन दादाजी के साथ खेले। युवाम तुम दोनों ने परिवारेन परिवार के सह साथ चित्रागारम आगच्छतम। तुम दोनों परिवार के साथ चित्रागारम आगच्छतम गए, सिनेमा घर गए। तुम दोनों परिवार के साथ सिनेमा घर गए। यहाँ भी परिवारेन सह अर्थ के कारण तृतीया विभक्ति आई है, लेकिन कारक का चिन्ह षष्ठी का केकी वाला ही लगेगा। यूयम चित्रकला प्रतियोगिताम अपस्य। तुम सबने चित्रकला प्रतियोगिता को देखा। तो इस तरह से आपने देखा कि अनुवाद सही करने के लिए वर्ड मीनिंग शब्दकोश की जानकारी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग समझ गए कि आज के बताए गए जितने भी ये सभी शब्दकोश दिए गए हैं सभी को याद करना बहुत जरूरी है। तो आज की होमवर्क भी है, लर्निंग वर्ड मीनिंग याद रखेंगे, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में आसानी होगी। हैव ए नाइस डे बच्चों, ओवर एंड आउट।